कभी ट्रेन की पटरी पर नाचती है तो कभी ट्रेन के साथ भागती है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी ही घटना से अवगत करवाएंगे जो कि लोगों ने घटते हुए देखी है। लेकिन उससे पहले एक सवाल है, क्या भूत प्रेत होते हैं? इसका जवाब हमें हाँ और ना दोनों में ही मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो मानते हैं भूत होते हैं। हालांकि दुनिया में ऐसे स्थान भी है जहां पर विचित्र घटनाएं घटी है। इन जगहों पर निरंतर होने वाली रहस्यमय घटनाएं भूत प्रेतों के अस्तित्व के बारे में जिज्ञासा और अधिक बढ़ा देती है। आज हम ऐसी ही जगह के बारे में आपको बताएंगे जहाँ लोगों का मानना है वहाँ पर एक भूतनी है जो रेल की पटरी पर नाचती है और ट्रेन के साथ साथ भागती है। सुनने में शायद कुछ ही लोग इसका विश्वास करें, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा अपनी आंखों से साक्षात देखा है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन की। इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस भूतिया रेलवे स्टेशन की पूरी कहानी क्या है। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीजन में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को साल 1960 में खोला गया था। इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लांचन कुमारी का अहम योगदान रहा है। स्टेशन पर खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। साल 1967 में बेगुनकोदर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। व्यक्ति की मौत के बाद अफवाह उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। उस समय वहां रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूतनी का हाथ था। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहां से गुजरती तो भूतनी उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगती थी। कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर भूतनी उसके आगे निकल जाती थी। इसके अलावा कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर भी नाचते हुए देखे जाने का दावा किया गया। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुनकोदर को भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा और ये रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला के भूत का इतना खौफ बढ़ चुका था कि वो इस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे भागे। कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग होती तो वह तुरंत ही यहाँ आने से मना कर देता। यहाँ तक कि इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे ना तो कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता था और ना ही कोई इस स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए आता था। इसके बाद से पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया और 1967 में इसे बंद कर दिया गया। कहते हैं कि इस स्टेशन पर भूत की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहाँ तक कि रेल मंत्रालय तक पहुँच चुकी थी। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती तो पायलट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गति बढ़ा देते ताकि जल्द से जल्द वो स्टेशन को पार कर सके। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे लोग स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते। हालांकि स्टेशन के 42 साल बंद रहने के बाद यानी साल 2019 में गाँव वालों के कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया, लेकिन अभी तक लोग सूरज ढलने के पास स्टेशन पर नहीं रुकते हैं। वहीं अब भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात हो चुके स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं।